सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी हर वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान की गंगा में मैं आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। और जो लोग हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं, तुरंत जाइए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनका सपना होता है कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों, गवर्नमेंट जॉब करें। उनके पेरेंट्स का भी यही सपना होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जिस संस्था में काम करे वह संस्था गवर्नमेंट हो। वजह यह होती है कि जो लोग गवर्नमेंट संस्था में काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, उनकी जो रेपुटेशन होती है वह औरों से बेहतर होती है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनकी शादियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत लोग केवल अपने मैरिज लाइफ के लिए ही गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, क्योंकि इससे मिलता है एक बहुत अच्छा सम्मान, एक आपको बहुत अच्छी पत्नी या आपको बहुत अच्छा पति मिलेगा। और ऐसा अक्सर देखा भी जाता है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनका पार्टनर भी उन्हीं की तरह गवर्नमेंट जॉब करने वाला ही होता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, गवर्नमेंट नौकरी से रिलेटेड है। आज हम ऐसी 6 राशियों के बारे में जानेंगे, 6 नाम के जातकों के बारे में जानेंगे कि जो 2019 में इनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। ये जो राशियां होती हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग होती हैं, मेहनत करती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इनको इनके मेहनत का फल नहीं मिलता। वजह है कि जो इनका मेहनत है वह रेगुलर नहीं रहता है, कंटिन्यू नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग कंटिन्यू मेहनत करते हैं फिर भी उनको नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उनका वक्त नहीं होता, वो समय नहीं होता कि उनका जो नौकरी पाने का जो समय होता है निर्धारित होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी नौकरी उनके हाथ नहीं आती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें, आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वालों को ही नौकरी मिलेगी। और ये कभी मत सोचिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग अब ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम नौकरी आराम से पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसा रखे हुए हैं, बहुत सारे पैसे रखे हैं, लेकिन तब भी उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। और अगर उनको नौकरी मिल भी जा रही है तो वो रेस्पेक्टेड नौकरी नहीं होगी। आम तौर पे बहुत सारी नौकरियां हैं जिसे लोग काफी पसंद करते हैं, बैंक जॉब हो गया, IAS PCS हो गया, सिविल सर्विसेज जो भी हैं, और ये आपका टीचर्स की नौकरी हो गई, तो इसमें आपका ये पैसे वैसे वाला काम नहीं चलता, इसमें आपकी मेहनत ही रंग लाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वे 6 राशियां कौन सी हैं, वे 6 नाम के लोग कौन से हैं जिनको इस साल सरकारी नौकरी मिल सकती है। हमारी जो पहली राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों को 2019 में सरकारी नौकरी मिल सकती है। हमारी दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को जुलाई से पहले ही सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद है। उसके बाद हमारी तीसरी और चौथी राशि है, वह है धनु और तुला राशि के लोग। इन लोगों को भी 2019 में सरकारी नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद है। और जो अंतिम की हमारी 2 राशियां हैं वो है मिथुन तथा वृश्चिक राशि। इन 2 राशियों को भी इस साल नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आप लोग बताइए, आप लोग किस राशि के हैं और आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अपनी राशि का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।